आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल में देश भर के सभी बस ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ हड़ताल चल रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर सिस्टम पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें इस बात को साबित कर रही हैं। जहां हिट एंड रन कानून के चलते राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है, वहीं वाहन स्वामी पेट्रोल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हड़ताल के कारण टैंकर पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। मैं दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, आज जैसे कि पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है इस वक्त और क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? इसलिए कि नई सप्लाई कल से बंद है, नई सप्लाई पेट्रोल पंपों को मिल नहीं पा रही है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है। और ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से जो टैंक हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं, वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं, तो चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन नई सप्लाई हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोल पंप डीलर के पास हड़ताल घोषित होने से पहले जितना स्टोर करने का की क्षमता थी, वो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है। जिनके हाई सेलर पंप हैं, जो अधिक सेल करते हैं, उनके यहाँ तो पेट्रोल ख़त्म होने की स्थिति में है, और जो मिनिमम सेल करते हैं वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहाँ पे भी पब्लिक जो है ग्राहक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं वो टैंक फुल करने की ही डिमांड कर रहे हैं। अभी टंकियों पर पेट्रोल की क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी हद तक टंकी कितने दिनों तक चल जाएगा? अब ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगा, बट ये है कि आज शाम या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल शहर के अंदर मिल पाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यवस्था तो नहीं हुई, टैंकर जो लेके आते हैं पेट्रोल के, इनसे बात हुई ड्राइवरों से, ये क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या वजह होगी? नहीं, ये भी ड्राइवर की श्रेणी में है, जो कि नया नियम लागू हुआ है, और नए नियम से ये लोग भी शायद भयभीत हैं कि नए तो नियम माना जाए कि ये भी हड़ताल में शामिल है। अब ये ऑथेंटिक रूप से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये हड़ताल में तो है जरूर, क्योंकि ये टैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाड़ियों को खड़े किए हुए हैं। आप लोगों की बात हुई ट्रांसपोर्टरों से या ड्राइवरों से, कब तक हड़ताल करेंगे, या कोई अधिकारियों से बात हुई है? नहीं, अब ट्रांसपोर्टर, चूंकि ट्रांसपोर्टर ने टैक्सी को भी बंद कर दिया है, अभी तो लखनऊ में टैक्सियां भी कमर्शियल नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये मतलब एक तरह से सामूहिक हो जाता है कि टैंक लारियों को ट्रांसपोर्टर नहीं चलने देंगे। अगर हमारा टैंक भर के वहाँ से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है, ट्रांसपोर्टर उसको पंप तक नहीं पहुँचने देगा, तो फिर नुकसान होने का भी खतरा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्ट भरा हुआ अगर दो चार दिन खड़ा रहेगा तो डीलर को भी नुकसान पहुँचने की उसमें संभावना है। क्या लग रहा है ये कब तक हड़ताल जाएगी? अब ये तो सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको राहत दे देती है और ट्रांसपोर्टर अपनी स्ट्राइक वापस कर लेते हैं, तो हम लोग भी सामान्य हो जाएंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, हम भी सामान्यतः उसको बिक्री करने लगेंगे। अब चूंकि हमारी स्ट्राइक नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है, लेकिन प्रभावित हम भी हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है। हमें जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है रोज़, तो वो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।